जी फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, बर्ड स्टूडियो में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो फॉक्स की आपको अपडेट देनी थी कि आप जैसे कि आपको पता है कि मेरे शेड में फॉक्स आ गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो 80% मेरे शेड में जो है वो फॉक्स ख़त्म हो चुकी है। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा जो आपने फॉलो करनी है, जिसकी वजह से आपके पास भी जो है वो फॉक्स ख़त्म हो जाएगी। असल में मेरे पास फॉक्स बढ़ने की सबसे पहली वजह ये थी कि मैं यहाँ पर जो है वो था नहीं, और उसकी वजह से जो है वो बर्ड्स अलग नहीं हो सके, और बर्ड अलग नहीं हो सके जिसकी वजह से ये फॉक्स बढ़ती गई। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आपने करना क्या क्या है। सबसे पहले देखें, मैंने जो है वो आते ही अपने शेड में जितने भी एक्स्ट्रा केजेस थे उन सबको मैंने ख़त्म कर दिया है। ये देखें, सबको मैंने जो है वो बाहर निकाल दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें मैंने बाहर निकाला हुआ सारे एक्स्ट्रा केजेस मैंने बाहर निकाल दिए थे। उसके बाद मैंने किया ये कि जो पूरे ओवरऑल शेड की मैंने सफाई की, और विरकोनेस वगैरह का स्प्रे किया और डिटोल का स्प्रे भी किया। उसके बाद आपने करना ये है कि जब भी आपके पास पॉक्स आ जाए, आपने करना यही है कि आपने सारे बर्ड्स को जो पॉक्स में है उनको एक तरफ करना है, जो सही है उनको एक तरफ करना है, या तो उनको शेड से बिल्कुल बाहर निकाल देना है जो पॉक्स में आ गए। तो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पॉक्स वाले जो है वो जो पॉक्स में आ गए थे, वो देखें वो बर्ड्स मैंने बाहर केज निकाल के रख दिया था, और उसमें मैंने ये पॉक्स वाले बर्ड्स जो हैं वो बाहर रख दिए थे। इसी तरीके से आप लोग भी इसी चीज़ को फॉलो करें। और दूसरा ये कि देखिए, मैंने तो काफ़ी सारी मेडिसन्स वगैरह अप्लाई की थी। मेडिसन अप्लाई जो है वो मेरी नज़र में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस एक महीने के अंदर, वो ये कि मेडिसन आपके एनवायरनमेंट, जो आपका शेड का एनवायरनमेंट टेम्परेचर चल रहा होता है उसके ऊपर असर करती है। मतलब उसको मद्देनज़र रखते हुए बर्ड के ऊपर असर करती है। कभी कभी ऐसे होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने बताया था कि ये बेटनासोल एन जो है, ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में तकरीबन ऑलमोस्ट जो भी बर्ड फैंसी है उन सबको पता है। तो मैंने ये अपने शेड में यूज़ की, तो मुझे तो इससे फ़ायदा नहीं हुआ, और बल्कि मेरे बर्ड जो है वो इससे जो है वो एक्सपायर हुए थे। अब मुझे इससे फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे शेड हैं और काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जिन लोगों ने बताया हमें कि बेटनासोल एन से हमें फ़ायदा हुआ है। इसी तरीके से वेरोलिनम ये 30 है, इसमें 200 भी आता है, ये भी मैंने यूज़ किए हैं काफ़ी। तो इससे भी मुझे कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला, बल्कि मुझे रिज़ल्ट मिला ही नहीं, ना इससे मिला और ना ही ये बेटनासोल एन से। इन दोनों से ही मुझे जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिला। रिज़ल्ट जिस चीज़ से मुझे मिला है वो तीन मेडिसन थी जो कि मैंने कंटिन्यू चलाई। एक है ये वेलोसिस जो कि ह्यूमन साइड सिरप है, ये आप देख सकते हैं, एक ये मैंने चलाया सिरप। दूसरा मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एविफ्लॉक्सिन जो सिरप है वो मैंने चलाया था, और उसके अलावा जो तीसरा है वो ये है बायोसिन। तो अभी रिसेंटली मैं ये चला रहा हूँ, मतलब मैंने स्टेप बाय स्टेप तीन मेडिसिन चलाई हैं। एक सबसे पहले मैंने चलाई थी एविफ्लॉक्सिन, उसके बाद मैंने चलाया वेरोलिनम, और उसके बाद फिर मैंने चलाया बायोसिन। तो ये तीन मेडिसिन मैंने यूज़ की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी 80% मेरे जो शेड में पॉक्स थी वो ख़त्म हो गई है। जी फ्रेंड, तो चलिए मैं आपको ये कुछ स्टेप्स में समझाता हूँ कि जब भी आपके पास पॉक्स आ जाए तो आपने किन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर वन, आपने जो है वो सबसे पहले अपने शेड को वेंटिलेशन प्रॉपर बनानी है। मेरे शेड में देखें इस तरीके से यहाँ से पूरा ओपन है, और इस साइड से हवा भी ओपन है, इस साइड से भी ओपन है, और ये थर्ड स्पेस है, ये चारों तरफ से ओपन है। और अगर आपके पास एग्जॉस्ट और एयर कूलर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और नंबर दो पे आपने जो करना है पॉक्स के लिए, आपके जो पॉक्स वाले बर्ड्स हैं उनको सबसे पहले आपने अलग करना है। पॉक्स वाले बर्ड अलग किए और जो आपके जो सही बर्ड हैं उनको अलग करना है। और नंबर थ्री जो स्टेप है वो ये कि आपने रेगुलर बेसिस पे अपने शेड में विरकोनेस
डिटोल या कोई भी एक्स वाई जेड जो है वो स्प्रे करना है अपने बर्ड्स को पूरा, मतलब ये समझें आप उसके ऊपर तक पूरा का पूरा उसको नहला दें स्प्रे से। कौन सा स्प्रे? वर्कोनेस, डिटोल या कोई भी एंटीवायरस और एंटीसेप्टिक जो स्प्रे होता है वो आपने करना है। एंटीसेप्टिक स्प्रे करने का फ़ायदा क्या होगा, जो जिन बर्ड्स की आप की फ़र्ज करें आइज इन्फेक्शन हुआ हुआ होगा उसके ऊपर फ़र्ज करें डिटोल वाला पानी जब पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा उसको एंटीसेप्टिक, मतलब वो थोड़ा सा साफ़ कर देगा। तो ये चीज़ आपने फॉलो करनी है। अच्छा, नंबर 4 पे क्या करना है, आपने अपने रेगुलर बेसिस पे, चले रेगुलर अगर आपसे नहीं होता तो आपने हफ्ते में 2 दफ़ा अपनी जो बर्ड्स की केजेस हैं उनकी ट्रे आपने लाजमी साफ़ करनी है। आपने अपने बर्ड्स की ट्रे लाजमी साफ़ करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो 6th step है वो आपने क्या करना है कि अपने बर्ड्स को ये मेडिसिन अप्लाई करवाएं, कोई भी एंटीबायोटिक या एंटीवायरल जो भी आपकी वो होती है मेडिसिन, जिस तरीके से मैंने बताया कि मुझे इन मेडिसिन से फ़ायदा हुआ है, तो आप लोग भी इसी तरह से जो भी आपके एरिया में मेडिसिन अवेलेबल हो, फ़र्ज़ करें जैसे कि ये हैदराबाद में अवेलेबल नहीं थी मेडिसिन तो मैंने ये कराची से मंगवाई थी और मुझे इससे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ, इससे भी फ़ायदा हुआ, एविफ्लॉक्सिन से भी फ़ायदा हुआ, और मैंने ये जो आपको वेलोसिप दिखाया ये वाला सिरप, ये ह्यूमन साइड जो है वो सिरप है, ये दिखाया, ये भी इससे भी मुझे फ़ायदा हुआ। तो ये जो 3 मेडिसिन मैंने स्टेप बाय स्टेप यूज़ किए, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इससे तो फ़ायदा हुआ है और रिकवरी भी हुई मेरे पास। तो इन स्टेप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है और ये स्टेप आपने कंटिन्यू, मतलब जब तक आपके पास से पॉक्स ख़त्म ना हो आपने तब तक ये इन चीज़ को, इन रूल्स को फॉलो करते रहना है। और इंशाल्लाह अगर आपने इन रूल्स को फॉलो किया तो आपके पास पॉक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। मैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा अपने कामों की वजह से जो है वो लेट हो गया था यहाँ ये बर्ड शेड देखने में, तो इसकी वजह से मेरे पास जो है वो पॉक्स बढ़ी थी, वरना मेरे पास इतनी पॉक्स नहीं बढ़ती क्योंकि। और अच्छा, दूसरी बात, पॉक्स के अंदर जो मेरे पास मोर्टिलिटी रेशियो था वो तकरीबन मेरे ये समझें काफ़ी सारे ब्रीडर जो जोड़े थे वो एक्सपायर हुए हैं, उसमें से मैं समझता हूँ तकरीबन मेरे पास अब तक का जो रेशियो रहा है मेरे पास 70-80 बर्ड एक्सपायर हुए हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ में कोताही ना करें और फौरन जो मैंने आपको स्टेप्स बताए उन जिन भाइयों के पास भी ये पॉक्स आई हुई है, सिर्फ इन स्टेप्स को आप रेगुलर फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला आपके पास जो है वो पॉक्स बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ये 1-2 हफ्तों में मुश्किल से कवर हो जाएगा आपके पास। तो जी फ्रेंड्स, तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आपको जो है वो जितने मैंने रूल्स बताएं, स्टेप्स बताएं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास पॉक्स आई हुई उनके साथ ज़रूर शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से जो है वो दूसरे बंदे को फ़ायदा हो जाए। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो है वो मतलब नई से नई चीज़ सिखाई जाए, नए से नए जो है वो चीज़ों पर अमल करने की तरकीब दी जाए। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।